अगर आसमां एक ही रंग का होता, बादल एक ही रूप के होते, तो इंसान ऊपर देखना ही छोड़ देता। रंग बदलता है आसमान, और खूबसूरती से अनेकों रूप में उभर कर आते हुए बादल हमें हमारे दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक ऐसे ही खुशहाल रखते हैं। और कोई भी इंसान कभी आसमान को देख करके ऊब नहीं सकता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की हमारी यात्रा होने वाली है बुधनी घाट की ओर, जहाँ पे हम भोपाल से इटारसी के बीच में आने वाले बुधनी घाट के सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लेंगे। क्योंकि किसी भी रेल रूट से आप कितनी बार भी गुजर जाएं, पर कुछ ना कुछ ऐसा आपको हर बार मिलेगा देखने को। हर बार एक ऐसा एहसास होगा जो आपको उस यात्रा से जोड़ ही देगा। ऐसे ही हमारे सामने सुंदर से बादल हमारा स्वागत कर रहे हैं। भोपाल से हमारी ट्रेन चल चुकी है। मैं हूँ फिलहाल बैंगलोर राजधानी में, जो कि अपनी यात्रा को बैंगलोर तक पूरा कर रही है। पर आज के इस हिस्से में हम लोग देखेंगे बुधनी घाट के मानसून के नज़ारों को, जिन्हें हाल ही में मैंने जुलाई में अपनी की गई यात्रा के दौरान आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था। ये रास्ता मानसून के समय में अलग ही रंग में उभर के आता है। आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है इस रूट में, और ये यात्रा मेरी मानसून की यात्रा थी, तो मुझे भी मौका मिला कि मैं प्रकृति की सुंदरता को काफ़ी करीब से अनुभव कर पाऊँ, और इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और ये चीज़ मैं आप लोग से शेयर करना चाहता था। आप देख सकते हैं पटरी के किनारे ये चट्टाने काफ़ी करीब हैं, लेकिन इनसे हमें कोई डर नहीं, क्योंकि ये कई सालों से हमारी रखवाली में है। अगर इन्हें आप गौर से देखें तेज़ रफ्तार ट्रेन से, तो आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। पर हाँ, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखें दूर तक, तो इनकी सुंदरता आपको शांत बैठने नहीं देगी। बगल में हमारे सुंदर सी नदी पूरी यात्रा भर साथ देती है, और ये रेल रूट ही इतना सुंदर है कि आपका जो मन है वो इस हरियाली में ही रमा रहेगा। तो दोस्तों, कुछ समय के लिए आप लोग इन्जॉय कीजिए ट्रैक साउंड को और इस रेल जर्नी को। मैं आप लोगों से जल्द ही मिलता हूँ। दोस्तों, जो नदी की धारा हमारे बगल बगल चल रही थी, अब उसे पार करने का समय आ चुका है। और इस रूट में ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है, और मैं इसे कभी मिस नहीं करता हूँ अपनी किसी भी यात्रा के दौरान। आप लोगों ने कई बार इस हिस्से को देखा होगा मेरे अनेकों वीडियोस में, जैसे दुरंतों के वीडियो में या कर्नाटका एक्सप्रेस के वीडियो में। और बादल अभी भी हमारे स्वागत में है नए रूप में, और रंग बदलते हुए बादल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और खड़ी चट्टानों के बीच में नदी बह रही है, और अभी आप लोग को मौका भी मिलेगा कि इसकी गहराई को आप लोग काफ़ी करीब से देख पाए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको पुल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अब बारी है, हम लोग मिड घाट रेलवे स्टेशन को पार कर रहे हैं। और इस स्टेशन के बारे में मुझे ख़ास बात ये लगी कि एक तरफ के ट्रैक में सुरंग बनी हुई है, और जिस तरफ से हम लोग जा रहे हैं, हम लोग खुली दिशा में जा रहे हैं, यहाँ पर कोई सुरंग नहीं है। जैसे ये रेलवे स्टेशन हम लोग पार करेंगे, तो आप लोग उस सुरंग को देख पाएंगे। लेकिन एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ से जैसे जैसे हमारी ट्रेन पार होती है, ट्रेन अपनी रफ्तार को बढ़ाती जाती है, उसका अनुभव आप लोग कर पाएंगे। तो मैं थोड़े समय के लिए शांत हो जाता हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए ट्रेन की इस एक्सेलरेशन को।
तो दोस्तों बुढ़नी घाट के सुंदर नज़ारों को पार करने के बाद और इटारसी में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हमारी ट्रेन की बारी है इटारसी को बिना रुके पार करने की, क्योंकि जब रेगुलर शेड्यूल था ट्रेनों का तब तो बेंगलोर राजधानी का स्टॉप दिया गया था यहाँ पे, पर अब जब से ट्रेन कोविड स्पेशल राजधानी बन के चल रही है तब से ट्रेन का इटारसी जंक्शन से स्टॉपेज हटा दिया गया है। इटारसी को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कई रूट आकर के मिलते हैं, जैसे जबलपुर का रूट हो गया, साथ में इटारसी से मुंबई की ओर लाइन जाती है, हैदराबाद की ओर लाइन जाती है, और चौथी लाइन जैसे हम लोग आ रहे हैं ये दिल्ली से आ रही है। तो शायद यह कि आप लोग समझ गए होंगे कि इटारसी को जंक्शन क्यों कहा जाता है। और एक और अच्छी बात इटारसी की ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको शेड और डीजल लोको शेड दोनों ही उपलब्ध है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो इटारसी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन बनाती है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे खान पान की चीज़ें। तो अगर आप इन सब टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो देखना चाहते हैं, क्या खाने पीने की चीज़ें स्टेशन में अवेलेबल हैं, कैसी सिक्योरिटी है स्टेशन की, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक डिटेल्ड वीडियो मैं भी बनाना चाहूँगा इटारसी जंक्शन के ऊपर, पर अगर आप लोग की इजाज़त हो तो ही। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल मैसेज करना तो मुश्किल हो पाता है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मेंशन कर सकते हैं @ लगा के, मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मिलते हैं जल्दी, तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।